अस्सलाम वालेकुम क्लास, हम लोग के पास फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एनुइटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट एंड एनुइटी के चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक हम लोगों के पास इंटरेस्ट का है। जिस तरह की डेफिनेशन लिखी हुई है इंटरेस्ट की, ये डेफिनेशन इंटरेस्ट की क्या बता रही है हम लोगों को? व्हेन अ पर्सन बोरो मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देन ही हैज़ टू पे सम अमाउंट एज अ फी फॉर द यूज़ ऑफ मनी, दिस फी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब कोई बंदा कोई भी अमाउंट उधार लेता है किसी खास पर्पस के लिए किसी खास टाइम तक, तो उस टाइम के लिए उस अमाउंट को इस्तेमाल करने के लिए उसे कुछ फीस पे करनी पड़ती है। वो फीस हम लोग के पास क्या कहलाती है? इंटरेस्ट कहलाती है। ये आप लोग के पास बुक में जो डेफिनेशन है, जो बुक डेफिनेशन कहलाती है इंटरेस्ट की, है वो डेफिनेशन है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहीं से भी 1 लाख रुपये उधार लेते हैं, तो उस 1 लाख रुपए को इस्तेमाल करने के लिए जो फीस हमें देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? इंटरेस्ट कहलाएगी। मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए, उस 1 लाख रुपए को इस्तेमाल किया मैंने, 1 साल बाद वापस किए। अब उस जब मैं वापस करूँगा तो मैं 1,10,000 या 1,05,000 रुपए वापस करूँगा। वो जो 5,000 रुपए एक्सेस आ रहे हैं वो एक्सेस अमाउंट क्या कहलाएगी? इंटरेस्ट कहलाएगी। सही। अब वो इंटरेस्ट जब भी कभी कोई इंटरेस्ट या कोई अमाउंट ली जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि इंटरेस्ट क्या चीज़ है। इंटरेस्ट हम लोग के पास वो अमाउंट है जो हम लोग कोई भी अमाउंट को इस्तेमाल करने की जो फीस देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट बोलूँ या सिंपल इंटरेस्ट बोलूँ, बात क्या है? एक ही है। एक और डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट के नाम से शो कर दिए, इसको भी सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। व्हेन इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल, ऐसा इंटरेस्ट जो सिर्फ प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाए फॉर द इंटायर पीरियड, पूरे इंटायर पीरियड के लिए, यानी कि जितने टाइम के लिए लिया जाए। फॉर एग्जांपल एक अमाउंट 1 साल के लिए ली गई, उस 1 साल के लिए जो भी आप लोगों के पास इंटरेस्ट बन रहा है वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाए तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। सही। अभी आगे जाके आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, मल्टीपल कंपाउंडिंग पढ़ेंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी ताकि आप लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को डिफरेंशिएट कर सकें। सिंपल इंटरेस्ट क्या था? ऐसा इंटरेस्ट जो हम लोग के पास प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाए वो इंटरेस्ट हम लोग के पास क्या कहलाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या होता है। सही। हम लोगों ने इधर बोला कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला I=N मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। हम लोग चाहें तो डॉट लगा दें, हम लोग चाहें तो डॉट नहीं लगाएं, NPR करके लिख दें, PNR करके लिख दें, हमारी मर्जी, हम लोग जिस तरह चाहें फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये तीनों हम लोगों के पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। होगा क्या? N मल्टीप्लाई होगा P से, मल्टीप्लाई होगा R से। N क्या शो कर रहा है हम लोग के पास? नंबर ऑफ पीरियड्स को शो कर रहा है। अब नंबर ऑफ पीरियड्स हम लोग के पास क्या है? किस ड्यूरेशन के लिए हम लोग के पास अमाउंट ली गई है। ड्यूरेशन कैसा होता है? मंथली ली गई है अमाउंट, 2 मंथ के लिए ली गई है, 3 मंथ के लिए ली गई है, क्वार्टरली ली गई है, सेमी एनुअली ली गई है, ईयरली ली गई है, 5 सालों के लिए ली गई है। ये तमाम की तमाम चीज़ें किस में आएंगी हम लोग के पास? नंबर ऑफ पीरियड्स में आएंगी, ड्यूरेशन में आएंगी। पी क्या है भाई? पी हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या? जो अमाउंट मैं उधार लेता हूँ या ऐसी अमाउंट जो मैं किसी से इन्वेस्ट करने के लिए लेता हूँ वो अमाउंट हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। वो अमाउंट हम लोग शो करेंगे किससे? पी से। आर क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर पीरियड। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपये उधार लिए, 2 सालों के लिए लिए, मैंने बोला भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर साल 10% होगा। तो क्या होगा? जब पहला साल गुजरेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी? 10% जो अप्लाई हो जाएगी हम लोग के पास 1 लाख रुपए पे। सही है जी। इसी तरह दूसरा साल गुजरेगा, फिर दोबारा 1 लाख पे 10% अप्लाई हो जाएगा हम लोग के पास। तो ये जो अमाउंट होगी जो हम लोग के पास पर ईयर कैलकुलेट हो रही है या अप्लाई हो रही है प्रिंसिपल अमाउंट पे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो अमाउंट निकल के आएगी वो अमाउंट क्या कहलाएगी? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल, ऐसे इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाए फॉर द एंटायर पीरियड, पूरे पीरियड के लिए, वो इंटरेस्ट हम लोग के पास क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब जिस तरीके से हम लोग के पास प्रिंसिपल था, मैंने इधर भी समझाया प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का हमारे पास इधर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। द अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ऐसी अमाउंट जो हम लोग के पास क्या की जाए? उधार ली जाए
या इन्वेस्ट की जाए वो अमाउंट हम लोग के पास कौन सी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। सही है, हम लोगों को पता होना चाहिए। अब एग्जांपल मैं इस वजह से दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको पता हो कि कौन सी अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है, कौन सी अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट है, कौन सी अमाउंट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं, किस चीज़ को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक अमाउंट ली गई 1,00,000 रुपये की, वो अमाउंट हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी, उसको हम लोग पी से शो करेंगे। एक अमाउंट हम लोगों के पास कैलकुलेट की जा रही है प्रिंसिपल पे, वो अमाउंट हम लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी, जिसको हम लोग आई से शो कर रहे हैं। जिस रेट के हिसाब से कैलकुलेट की जा रही है वो रेट आर कहलाएगा, वो रेट गिवन होगा 10%, 12%, 5%, वो रेट हम लोग के पास आर की वैल्यू होगी और आर से हम लोग शो करेंगे। कितने अरसे के लिए ली जा रही है वो हम लोग के पास एन की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, चाहे वो क्वार्टरली ली जा रही है, सेमी एनुअली ली जा रही है। अब अगर हम लोगों के पास साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि हम लोग के पास साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो एक फैक्टर होता है एम, नंबर ऑफ टाइम्स, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर साल में क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है तो हम लोग के पास आर की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर है, हर महीने हम लोग के पास हर क्वार्टर में 3 महीने, तो हम लोग के पास 4 क्वार्टर हो गए। मंथली की बात आ जाएगी तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये एम की वैल्यू अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे मल्टीपल कंपाउंडिंग में, ये एम की वैल्यू क्या हो रही है, ये हमें बता रही है कि सालाना इंटरेस्ट कितनी मरतबा लिया जा रहा है, एम टाइम्स। यानी कि हम लोग के पास साल में 2 मरतबा इंटरेस्ट दिया गया सेमी एनुअली, साल में 4 मरतबा इंटरेस्ट दिया गया क्वार्टरली, साल में 12 दफ़ा इंटरेस्ट दिया गया मंथली। बात क्लियर है? नेक्स्ट, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को पता चल गई, इंटरेस्ट हम लोग के पास सिंपली इससे कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल अमाउंट क्या है, द टोटल अमाउंट ए इज गिवन बाय, अभी तक आप लोगों ने ए नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने आई से क्या चीज़ शो करी थी, इंटरेस्ट क्या होता है, आप लोगों ने एन से क्या चीज़ शो किया था, नंबर ऑफ पीरियड्स, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी से प्रिंसिपल अमाउंट। अब आप लोगों के पास एक नया वेरिएबल ए इंट्रोड्यूस हो गया है, वो ए क्या शो कर रहा है, वो टोटल अमाउंट को शो कर रहा है। एक बंदे ने 1,00,000 रुपये अमाउंट ली, उस पर 10% इंटरेस्ट लगा, 1 साल के लिए अमाउंट ली थी, ये तमाम चीज़ें मैं किससे शो करूंगा, जो मैंने अमाउंट ली थी वो प्रिंसिपल अमाउंट थी, मैं पी से शो करूंगा। 1 साल के लिए ली थी तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 1 ईयर हो गई। किस रेट पे ली थी, 10% पे ली थी, तो आर की वैल्यू 10% हो गई। आई मैं कैलकुलेट कर लूंगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, 10% के हिसाब से 1,00,000 रुपये पे 10,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया 1 साल का। अब जो अमाउंट मैंने उधार ली थी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, और जो इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया है जो सिंपल इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से 10,000 रुपये, उन दोनों अमाउंट को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट आएगी, यानी कि जब मैं वो अमाउंट वापस करूंगा तो 1,10,000 रुपये वापस करूंगा। तो मैंने लिखा भाई प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कौन सी अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी ए। ए को हम लोगों ने इधर प्रिंसिपल की जगह पे पी आ गया, इंटरेस्ट की जगह पे एन पी आर आ गया, जो कि हम लोगों ने इंटरेस्ट का फॉर्मूला इधर शो किया हुआ है। NPR आ गया, P इधर भी था, हम लोगों ने कॉमन ले लिया, हम लोगों ने जब कॉमन लिया तो हम लोग के पास 1+NR करके टोटल अमाउंट का फॉर्मूला आ गया। हम लोग चाहें तो डायरेक्टली प्रिंसिपल को ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट में, हम लोग चाहें तो इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम लोग चाहें तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हम लोगों को टोटल अमाउंट मालूम करने का बोला जाए। टोटल अमाउंट भी पता चल गया हम लोग को, प्रिंसिपल अमाउंट भी पता चल गया, इंटरेस्ट भी पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट और किस चीज़ को किससे शो करते हैं ये भी हम लोग को पता चल गया। आप लोगों की बुक का, शाहिद जमाल की बुक का, बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक का आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है 3.1, पेज नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पेज नंबर है पेज नंबर 91। 3.1 में आप लोगों को क्या बोला है, 3.1 में आप लोगों को बोला फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है ऑन ₹5,000, कितने में मालूम करना है 5,000 पे। आप लोगों ने लिखा गिवन वैल्यूज आर, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं सेंस करके हम लोगों ने तमाम वैल्यूज देख ली, किस पे मालूम करना है 5,000 पे मालूम करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो गई 5,000 हो गई। फॉर 4 ईयर्स, कितने साल के लिए, 4 सालों के लिए, तो हम लोगों ने बोला 4 सालों के लिए ली गई अमाउंट, नंबर ऑफ पीरियड्स एन हम लोगों के पास क्या हो जाएगा 4 ईयर्स हो जाएगा। आर की वैल्यू एट 2% पर एनम, हम लोगों के पास आर की वैल्यू कितनी हो गई 2% हो गई,
2% का मतलब क्या है, हम लोगों के पास जब भी परसेंटेज की साइन आएगी हम लोग परसेंटेज की साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में रेशियो प्रोपोर्शनल परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ाया। परसेंटेज की साइन हटा देंगे, डिवाइड में 100 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, हम लोगों के पास 0.02 आ जाएगा जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करेगा। तमाम चीज़ों की वैल्यू आ गई। मालूम क्या करना था आप लोगों को, इंटरेस्ट मालूम करना था। हम लोगों ने एज वी नो दैट करके इंटरेस्ट का फॉर्मूला शो किया सेंस करके। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू NPR। N की वैल्यू क्या थी, 4 थी। P की वैल्यू क्या थी, 5000 थी। R की वैल्यू कितनी निकली थी, 0.02 निकली थी। तीनों वैल्यूज को लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। आप लोगों के पास इंटरेस्ट निकल के आ गया रुपीज 400। 400 हम लोगों के पास इंटरेस्ट निकल के आ गया। हमें पता है कि भाई जब भी कोई अमाउंट निकल के आएगी हमारे पास, जिसमें हम लोग के पास प्रिंसिपल गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ में गिवन था तो हम लोग इंटरेस्ट के साथ भी रुपीज़ लगाएंगे। अगर इधर डॉलर्स में गिवन होता तो हम लोग इंटरेस्ट के साथ भी डॉलर लगाते। पौंड में गिवन होता तो हम लोग जो करेंसी की यूनिट यूज़ करेंगे वही करेंसी की यूनिट हम लोग इंटरेस्ट के साथ भी लगाएंगे। रिजल्ट की हेडिंग बना के हम लोगों ने क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज़ 400। जो इंटरेस्ट हम लोगों ने मालूम किया है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी निकल के आई है हम लोग के पास, 400 निकल के आई है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3.1 था। इस जैसे क्वेश्चन 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 आप लोग देख सकते हैं बुक में, पेज नंबर 90 पर है आप लोगों के पास। इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस में हम लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो ये 5 के 5 सवाल हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगर हम लोगों को पता होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, टोटल अमाउंट क्या होती है। सही है जी क्लास, बस पॉज कर लो। अच्छा जी क्लास, अब हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख लिया। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है 3.6। 3.6 में हम लोगों के पास उन्होंने क्या बोला है, रुपीज़ 3000 इंक्रीजेज बाय रुपीज़ 600। आप लोगों ने बुक ओपन करी भी होगी, और बुक का पेज नंबर 90 पे क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास मौजूद। रुपीज़ 3000 इंक्रीजेज बाय रुपीज़ 600 इन 4 ईयर्स। 3000 रुपये की एक अमाउंट थी जो कि इंक्रीज़ हो गई, कितनी इंक्रीज़ हो गई, 600 रुपये इंक्रीज़ हो गई, कितने सालों में, इन 4 ईयर्स, 4 साल के अरसे में। फाइंड द परसेंट पर एनम, रेट आप लोगों को मालूम करना है, रेट परसेंट पर एनम, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी। जो अमाउंट दी हुई थी वो अमाउंट हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो बढ़ कितना गई, 600 रुपये बढ़ गई। जो अमाउंट इंटरेस्ट लगा तो हमारे पास वो अमाउंट बढ़ गई, वो इंटरेस्ट कितना आ गया हम लोग के पास, 600 आ गया। 4 ईयर्स हम लोग के पास एन की वैल्यू आ गई। आर हम लोगों को मालूम करना है, यानी कि ये इस क्वेश्चन में हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। रेट परसेंट बोलूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलूँ, बात एक ही है। एज वी नो दैट करके हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू NPR। आई की जगह पे आई की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। इज इक्वल टू एन की जगह पे एन की वैल्यू आ गई 4। पी की जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आ गई 3000। आर चूंकि हम लोगों को मालूम करना, तो आर ये लिखा हुआ, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 12000 हो गया। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू होता है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 600 से डिवाइड हो गया। हम लोग के पास आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0.05। आप लोग के पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप लोग के पास कैलकुलेटर में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड करके देखेंगे 0.05 आ जाएगा। आप लोग के पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। जो तरीकेकार था हम लोग के पास के रिजल्ट की हेडिंग बना के हम लोग वैल्यूज देखेंगे, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। जब भी हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकलेगी वो पर एनम के हिसाब से निकलेगी। अच्छा जी, इससे मिलता जुलता आप लोग के पास क्वेश्चन हैं, वो किस तरीके से होंगे वो मैं लास्ट में आप लोगों को होमवर्क मेंशन करवा दूंगा कि हाँ भाई कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 3.11, अब डायरेक्टली हम लोग 3.6 के बाद 3.11 डिस्कस करें। 3.11 में बिल्कुल चूंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्या बोला गया, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है, किस रेट के साथ, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का क्या रेट होगा, क्या विल ₹24,000, एक अमाउंट दी हुई है 24,000, अमाउंट टू ₹25,920, यानी कि आप लोग के पास एक अमाउंट थी वो चेंज हो गई, किस अमाउंट में, इस अमाउंट में। अमाउंट क्या दी हुई थी, 24,000 दी हुई थी, चेंज हो गई वो कितनी हो गई हम लोग के पास, 25,920 हो गई।
इसका मतलब है जो अमाउंट हम लोगों को दी हुई थी वो प्रिंसिपल अमाउंट थी, जो अमाउंट बढ़कर जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई वो हम लोगों ने ए से शो करवा दी। कितने साल के अरसे में? इन फोर ईयर, चार साल के अरसे में। दोबारा से सवाल पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 24,000 टू रुपीज 25,920 इन फोर ईयर? आप लोग के पास किस रेट के साथ, अगर हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक किस रेट के साथ रुपीज 24,000 चेंज हो जाएगा 25,920 में? कितने साल के अरसे में? चार साल के अरसे में। हम लोग को पता है कि हमारे पास टोटल अमाउंट दी हुई है, तो हमें पता है कि हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस एन आर। ए की वैल्यू, टोटल अमाउंट की वैल्यू जो देखिए दी हुई थी 25,920, पी की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है इज इक्वल हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्या वैल्यू थी? 24,000 थी। बचा गया इधर वन प्लस एन आर, एन की वैल्यू कितनी थी? 4 थी, आर एज इट इज है। वन इधर प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू उधर आ गया माइनस हो जाएगा, इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हम लोग के पास आया 1.08125। वन उधर ले गए माइनस कर दिया, वन माइनस कर देंगे 4 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो गया 1.08125 में से माइनस किया 1, डिवाइड कर देंगे 4, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि कितनी होगी? 0.02 होगी। इसके आगे कुछ फीचर्स आ रहे होंगे मगर वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में होंगे तो इस वजह से हम उसको इग्नोर कर देंगे। और 0.02 अगर लिखना चाहें तो उन फिगर्स को लिख भी सकते हैं, वरना शुरू के पॉइंट के बाद दो डिजिट तीन डिजिट दे लिया करें। 0.02 हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हम लोग 2% लिख सकते हैं। अब आप लोग को पता है कि रिजल्ट की हेडिंग लगा के आप लोग रिजल्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसके बाद एक क्वेश्चन है 3.12, इसमें भी देखिए ये बोला है इन व्हाट टाइम विल रुपीज 3200 अमाउंट टू रुपीज 5600 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आप लोगों को आर की वैल्यू मालूम करनी है। 3.12 वाला क्वेश्चन में भी यही करना है, 3.13 वाले क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज काम करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया 3.14 इधर क्वेश्चन समझ लीजिएगा 3.14 कैसा क्वेश्चन है। 3.14 में उन्होंने आपको बोला एट व्हाट रेट, आर की वैल्यू मालूम करनी है, विल रुपीज 50,000 अमाउंट कितनी दी हुई है? 50,000 दी हुई है जो कि बढ़ गई, बिकम्स रुपीज 64,000 जो कि बढ़ के कितनी हो गई? 64,000 हो गई। किस रेट के साथ? एट 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 7% दिया हुआ है। आप लोग के पास आर की वैल्यू इन व्हाट टाइम, एन की वैल्यू मालूम करनी है और आर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 7%। करना क्या होगा आप लोग के पास? ए इज इक्वल टू पी वन प्लस एन आर, ये फॉर्मूला मौजूद है। आप लोगों ने क्या किया? इधर ए की वैल्यू पुट कर दी 64,000, डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास इधर p मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आप लोगों ने 50,000 पुट कर दिया, वन इधर प्लस हो रहा होगा जाके माइनस हो जाएगा, वन इधर माइनस हो जाएगा। n की वैल्यू आप लोगों को मालूम करनी है, r की वैल्यू साथ में लिखी हुई है, कितनी दी हुई है r की वैल्यू? 7%। 7% का मतलब है 0.07, तो इसको 0.07n लिखे या आप लोग इसको n 0.07 लिखे, एक ही बात है। ये वैल्यू n से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, जब भी हम लोगों ने ब्रैकेट में कर दिया। इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 1, जो भी वैल्यू आएगी 0.07 उससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इस वैल्यू को, 64,000 डिवाइड बाय 50,000, 1.28 माइनस 1, 0.28 डिवाइड बाय 0.07, हम लोग के पास वैल्यू निकल के आ गई कितनी? n इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास कभी सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने के लिए बोल देते हैं, कभी एन की वैल्यू मालूम करने के लिए बोल देते हैं कि नंबर ऑफ पीरियड कैलकुलेट करो, कभी प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करने का बोल देंगे, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करने का बोल देते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने मालूम किया 3.6 वाले क्वेश्चन में।
तो उसी तरह के उस क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन है 3.12, 3.13, 3.14, 3.14 आप लोगों के पास रफली सॉल्व करके दिखा दिया, आप लोगों को पता होगा आप लोग फेयर में किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे, आप लोगों को मालूम है कि सॉल्यूशन सिंस इंप्लाइड है देयरफॉर ब्लॉकिंग, ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप लोग। इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है 3.7, 3.7 पे आ जाओ। 3.7 में हम लोगों को उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, इन व्हाट टाइम, टाइम मालूम करना है यानी कि टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, करना क्या है आपके पास, विल रुपीज 72 आपके पास 720 आप लोगों के पास प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, इंटरेस्ट गेन एज इंटरेस्ट रुपीज 144 आप लोगों के पास इंटरेस्ट कितना गेन हुआ है, 144 इंटरेस्ट गेन हुआ है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों के पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया हुआ है, हमें पता चल गया एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू हम लोग के पास ये दी, आर की वैल्यू ये दी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में बोला क्या है आप लोगों के पास, इन व्हाट टाइम किस टाइम के अरसे में रुपीज़ 720 से हम लोग कितना अर्न कर लें, ₹144 अर्न कर लें, किस रेट के साथ, 4% सिंपल इंटरेस्ट के साथ, यानी कि सालाना इंटरेस्ट क्या हो हम लोग के पास 4% हो, इन्वेस्ट कितनी जाए अमाउंट 720 की जाए और कितना कमा लें हम लोग, 144 रुपीस हम लोग कमा लें 720 पे, कितने साल के अरसे के लिए हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो हम लोग को मालूम करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन पी आर, आई की जगह पे आई की वैल्यू, एन की जगह जो कि हम लोग को मालूम करना है, पी की जगह पे पी की वैल्यू, आर की जगह पे आर की वैल्यू, मल्टीप्लाई करवाया जब मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एन की वैल्यू निकल के आ गए 5 years। हमें पता चल गया कि 5 साल के अरसे में हम लोग के पास अगर इन्वेस्ट की गई 720 की अमाउंट तो हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 144 रुपीज़, जो कि किस हिसाब से होगा, 4% के हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा होगा। अगर आप लोगों को पता है कि रिजल्ट की हेडिंग बना के आप लोग एन की वैल्यू शो करवा देंगे कि हम लोगों को कितना टाइम लग रहा है, 5 years। 3.6 जो सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डील किया था इधर वो क्वेश्चन डिस्कस हो गया हम लोग के पास, 3.11 भी डिस्कस हो गया, 3.7 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 3.8 एक क्वेश्चन है जो कि इसके बिल्कुल फौरन बात है, ये देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल, आप लोगों को प्रिंसिपल मालूम करना है, पी की वैल्यू मालूम करनी है, विच अर्न ₹225 जो कितना हमारे पास अर्न करके दे रही है, 225 अर्न करके दे रही है, क्योंकि अर्न करके दे रही है जब भी हम लोगों ने इंटरेस्ट की वैल्यू आई से शो करवा दी, इन 6 years कितने अरसे में, 6 years में एट 4.5 या 4/2 होल नंबर में लिखा हुआ है परसेंट, 4.5% इसको परसेंट का साइन हटेगा, डिवाइड में 100 आएगा, 0.045 हो जाएगा, 4.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। फाइंड द प्रिंसिपल, आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, रुपीस कितनी है आप लोगों के पास, रुपीस अमाउंट दी हुई है 225 है, कितने साल के अरसे में, 6 साल के अरसे में, और 4.5 आप लोगों के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, आई की जगह पे आई की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की जगह पे एन की वैल्यू पुट हो जाएगी, पी की जगह पे जो कि मालूम करना है आप लोगों को, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इधर मल्टीप्लाई होगा उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी, 225 डिवाइड हो जाएगा 0.27 से, पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 833.3 रुपीज़, प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई आप लोगों के पास कि अगर हम लोगों के पास इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा इतने सालों में इस इंटरेस्ट के साथ, तो हमें इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी या उधार करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट। क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, 3.5 तक तो आप लोगों के पास सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, 3.6 क्योंकि इस लेक्चर में कवर हो गया आप लोगों के पास, 3.7 में क्या मालूम करने का बोला है, इन व्हाट टाइम, जो कि आप लोगों के पास क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ हुआ, 3.8 जो कि आप लोगों के पास बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को एन की वैल्यू मालूम करनी थी, 3.8 भी आप लोगों के पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3.9 में क्या बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट, आपको टोटल अमाउंट मालूम करनी है। अब इन्होंने आप लोगों को क्या दे दिया, टोटल अमाउंट दे दी, टोटल अमाउंट मालूम करनी है ₹435.25 पे इन 5 years एट 4.5% पर एनम, टोटल अमाउंट मालूम करनी है किस रुपीस पे, ₹435 पर, जो कि कितने सालों के लिए दी गई है, 5 सालों के लिए दी गई है, और 4.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग इस प्रिंसिपल अमाउंट से
एन की वैल्यू से और आर की वैल्यू से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग के पास इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा तो हम लोग उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे और हम लोग के पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि मैं सिंपली टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगा दूं, 1+NR, और मैं टोटल अमाउंट मालूम कर लूं। टोटल अमाउंट में क्या है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी हुई है, 1+N की वैल्यू हमें दी हुई है 5 ईयर्स, R की वैल्यू हमें दी हुई है 4.5%। ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट करूं, मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं, हमारे पास टोटल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 3.9 में, 3.10 में आप लोगों के पास टोटल अमाउंट मालूम करनी है। 3.11 आप लोगों के पास सॉल्व हुआ भाई। 3.13, 3.14 ये रहा, और 3.15 हम लोगों ने इधर डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। तो 3.14 तक आप लोग, 3.13 तक आप लोग के पास सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।